हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम बनाए हैं चंद्रकला ये मिठाई। आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बता दीजिएगा। तो चले किस तरह से बनाए हैं देखते हैं। तो हम 1 कप मैदा में ले लिए, मतलब 1 कटोरी मैदा ले लिए हैं। तो इसको छान ले रहे हैं, और छानने के बाद इसमें हम 1 कप मतलब चम्मच हम तेल दे दिए हैं, और फिर चुटकी भर हम बेकिंग सोडा दे दिए हैं। तो इसको बढ़िया से हम मिला रहे हैं। देखिए इसी तरह से मिलाना है। तो फिर इसमें हम पानी दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा पानी एक बैग दीजिएगा तो गीला होने के डर बा, तो इसी नाते थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको गोद लीजिए। तो देखिए हम गोद लिए हैं, और फिर इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर एक तो पैन लिए हैं, मतलब कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई में आधा कटोरी हम चीनी दिए हैं, और 1 कटोरी हम पानी दे दे रहे हैं। 1 इलायची हम तोड़ के दे दे रहे हैं। तो चीनी हमारा गल चुका है। फिर इसमें हम कलर मतलब फूड कलर मिलाई दे दिए हैं। आप दे सकते हैं कि केसर भी दे सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बढ़िया अच्छे पक गया है। देख लीजिए चीनी भी गल गया है। तो हम चेक कर रहे हैं, देखिए ये चिपचिपापन हो गया है। हमको एक तारला नहीं चाहिए, बस चिपचिपा हो जाएगा तब तो जान लीजिए बन गया है हमारा चाशनी। तो यहाँ पर एक तो पैन लिए हैं, उसमें 1 चम्मच हम घी दिए हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट काट के हम छोटा छोटा करके इसको मतलब पैन में छोड़ दिए हैं। थोड़ा सा हम भून लेंगे, जैसे भूने वाला बहुत टेस्ट मतलब टेस्ट बढ़िया लगता है। ये है खोआ। तो हम घर पे खोआ बनाए हैं दूध सुखाई के। तो हम फ्रिज में रख दिए थे, तो थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो फिर ये पैन में हम छोड़ दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, तब तक ये नरम हो जाएगा। तो इस तरह से हम गर्म करते रहेंगे। और फिर यहाँ पर जो आटा हम गोद के रख दिए थे, तो ये आटा देखिए इस तरह से नरम हमको चाहिए, सॉफ्ट। तो फिर इसको हाथों देख आउ थोड़ा सा इसके मसाज दे रहा है। फिर इसमें देखिए हम 3 गोली बना लेंगे, ये देखिए इसी तरह से। तो फिर अभी से एक तो लेके हम थोड़ा सा सूखा मतलब मैदा इसमें दे देंगे, और फिर बेल लेंगे। तो बेलना इसी तरह थोड़ा सा हल्का हाथ से ही बेलना है, और मतलब इसी तरह बेलना है ना, ज़्यादा हमको मोटा चाहिए और ना ही पतला। तो देखिए इस तरह से चाहिए। तो फिर एक तो गिलास ले लिए हैं, और गिलास दे के हम 4 ठू एक रोटी में हम 4 ठू बना लेंगे पूरी। तो ये हम बनाए ले लिए हैं। तो फिर इसको उठा रहा है। इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत जल्दी जल्दी बन भी जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, झटपट आप लोग के बन जाएगा। देखिए इसी तरह से। और फिर यहाँ पर जो खोआ हम दिए हैं गर्म करने के लिए, तो फिर कटोरी में रख दिए हैं। 2 चम्मच हम चीनी ले लिए हैं, पिसा चीनी, और फिर 2 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिए हैं। तो थोड़ा मिक्सी मतलब चम्मच से मिलाई दे रहा है। तो चम्मच से दिक्कत हो रहा था, इसी नाते हम हाथ से मिला रहे हैं, जैसे कुछ गुठली ना रह जाए इसमें। तो देखिए हमें बढ़िया से मिलाई ले लिए हम। और फिर मीठा लेके इस पर हम जो खोआ है तो पूरी पर हम रख दे रहे हैं। रखने के बाद फिर चारों ओर से थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे। तो पानी देना जरूरी है, क्योंकि अगर एक ठू पर एक ठू अगर दीजिएगा तो इसमें थोड़ा चिपकेगा, इसी नाते पानी लगाना जरूरी है। तो फिर देखिए एक ठू पर हम रख दिए हैं पूरी, और फिर चारों ओर से बराबर करके हम दबाए दे रहे हैं। तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो हम फिर हाथों में लेके इसको हम डिजाइन दे देंगे इस तरह से, थोड़ा हाथ में लेके मोड़ देंगे। इसी तरह से आप घिस लीजिए, और फिर इस तरह से मोड़ दीजिए। इस तरह से आप घिसिए, और इस तरह से फिर मोड़ दीजिए। तो इसी तरह से करते करते आपको डिजाइन बन जाएगा। तो हम तो पहली बार बना रहे हैं डिजाइन, तो इसी नाते हमें थोड़ा सा ठीक से डिजाइन नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं डिजाइन बनाने के लिए। तो पहली बार भले ही एक ठू नहीं हुआ है, दूसरी बार बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कोशिश करेगा। और हम थोड़ा सा छोटा बनाए हैं, सब बड़ा बनाते हैं, तो हम थोड़ा छोटा ही मीठा बनाए हैं ये चंद्रकला। तो इस तरह से आप लोग घर पे बनाइएगा। तो यहाँ पर हम कढ़ाई लिए हैं, तेल गरम करने के लिए दिए हैं, और फिर एक एक करके इसमें हम छोड़ दे रहे हैं। तो थोड़ा धीमी आँच से इसको पकाना है। तो फिर इसको हम उल्टाई पलटाई दे रहे हैं, दोनों तरफ बराबर करके हम पका लेंगे इसको। तो ये हमारा पक चुका है, और फिर इसको हम उठा ले रहे हैं। तो एक ठो बर्तन में हम टिश्यू पेपर बिछाई दिए हैं, उस पर हम रख दे रहे हैं। फिर ये जो चाशनी हम बनाए हैं, उस चाशनी में हम छोड़ दे रहा है इसको। तो थोड़ा सा इसको भी हम बराबर चारों तरफ से जैसे चाशनी लग जाए, इसी नाते हम चलाए दे रहे हैं, जब बढ़िया से इसमें चाशनी लग जाएगा।
तो ये हमारे बढ़िया से लग गया है। और फिर ये देखे और कितना बढ़िया भी दिखाई देता। फिर एक तो प्लेट में हम उठा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी उठा रहे हैं, तो इसमें हम फिर सिल्वर मतलब लगाए दिए हैं और फिर पिस्ता काट के दे दिए हैं। तो इस तरह से आप लोग बनाइए।